Hello everyone. Today we are going to start with the next thing in our web page designing. Today we are going to see HTML forms. In our previous session, we have seen one or two things on how to create HTML forms. पिछले सेशंस में हम लोगों ने HTML forms के कुछ एक या दो पार्ट देखे थे. आज हम लोग HTML form पूरा डिटेल में देखने वाले हैं. So ये जो फॉर्म है बहुत ही सिंपल है. जस्ट वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो पहला जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नोटपैड प्लस प्लस में ये कोड लिखा हुआ है. आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो, बट एचटीएमएल में जब आप वेब पेज डिजाइन करते हो तो आई विल सजेस्ट कि नोटपैड प्लस प्लस यूज करो. इससे क्या होता है कि जो भी कोड्स रहते हैं या टैग्स रहते हैं वो कलर में दिख जाता है आपको. इससे होता है कि अगर कुछ भी एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी जैसे कि एक मैंने फॉर्म लिखा है यहाँ पे, इसका मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग फिर इसको समझेंगे क्या है ये. अभी मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा आउटपुट विंडो है इसके ऊपर मुझे इस टाइप से हेलो चाहिए. अगर मुझे उस पे हेलो चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूं, तो उसके लिए जो कोड है वो ये है. ये कोड बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट दो लाइन है, मुझे आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड चाहिए जिसमें कि बटन रहेगा इस टाइप से. इस पे देखो, मैं ये जो आउटपुट है उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये समथिंग चेंजेस दिख रहा है आपको. तो वो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो एक फॉर्म है एचटीएमएल का. तो कोड सिंपल है, लाइक एचटीएमएल टैग यूज करना है, बॉडी टैग यूज करना है, बाद में उस बॉडी टैग को क्लोज करना है, एचटीएमएल टैग को क्लोज करना है. अभी फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू जस्ट, हमें अभी कुछ एक्शन उसके ऊपर नहीं करना है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा जस्ट रखा है. अगर हमें कुछ एक्शन करना होता तो यहाँ पे वो चीज लिखते थे. अभी ये फॉर्म एक टैग यूज किया है क्योंकि हम लोग एचटीएमएल फॉर्म कर रहे हैं, और उस फॉर्म को फिर क्लोज किया है. जो हमारा जो हेलो करके आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड करके, वो कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे उसके लिए ये लाइन लिखी है हम लोगों ने. ये लाइन क्या है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू हेलो वर्ल्ड. मतलब क्या हो गया कि इनपुट जो है, टाइप मतलब बटन, बटन मतलब ये बटन जैसा हो गया, जस्ट लाइक हम लोग क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर से बटन, तो ये बटन जैसा क्रिएट हो गया है. तो इसलिए टाइप बटन वैल्यू हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर हमें क्या दिखना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखूंगा तो वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ आएगा. तो जो भी है वो ऐसा लिखना है. तो सिंपल है, खाली एक इनपुट करके आपने टैग यूज करना है, उसमें टाइप बटन लिखना है. कभी कभार हम लोग जब नाम लिखते हैं तो टाइप टेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है. अगर हमें यहाँ पे सेंड करना होता डेटा, तो यहाँ पे अगर हमें सेंड रखना है मीन्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सेंड डाल देंगे टाइप में. रीसेट करना है तो रीसेट डाल सकते हैं हम लोग बटन की जगह पे, तो उस टाइप से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है. बट हमें सिंपल एक बटन क्रिएट करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप बटन लिखा हुआ है. बाद में वैल्यू हेलो वर्ल्ड, वैल्यू हेलो वर्ल्ड मतलब उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है. तो बाद में फॉर्म क्लोज किया और उसका फिर आउटपुट जो है वो इस वे से आ जाता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म में क्या है. तो नेक्स्ट फॉर्म जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस कोड को समझेंगे. द नेम ऑफ दिस इज ass12.html. तो यहाँ पे हमें एक
विंडो हमारे जो HTML फाइल है या वेबसाइट है उसके ऊपर हमें एक इस टाइप से फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें कि नाम लिखा होना चाहिए, ईमेल आईडी लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। अब ये ज़िगज़ैग मैनर में है, बाद में मैं उसको सिस्टमैटिक मैनर में लेके आता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा इसका कोड देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि नेम, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ और बॉक्स क्रिएट हुआ है उसका। तो क्या करना है, यूजुअली जो भी हम लोग फॉर्म कभी क्रिएट करते हैं तो उसका टैग क्या है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, बाद में फॉर्म को क्लोज किया हुआ है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड सेट करके एक टैग लेना है और उस फील्ड सेट को हमें क्लोज करना है। ये होगा क्या, हमें जो जो चाहिए उसके अंदर वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जैसे कि नाम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हो नेम कॉलन, तो वो यहाँ पे एज इट इज अपियर हो रहा है, नेम कॉलन, ठीक है। अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट, वहां पे क्या किया था पिछले वाले में, टाइप बटन किया था, यहाँ पे क्या है टाइप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट है तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अमित लिख दिया, ठीक है। साइज 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज 30, तो ये जो बार है हमारा, ये जो बॉक्स क्रिएट हुआ उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 30। अगर मुझे इसे छोटा करना है, इसे तो 10 करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये छोटा हो गया। इसे बड़ा करना है तो उसमें से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, साइज में उसको कितना हमें साइज चाहिए। आपको हाइट विड्थ में करना है तो वो भी कर सकते हो, उसके इसमें आपको साइज रिमूव करके विड्थ एंड हाइट देना पड़ेगा, विड्थ इज इक्वल टू 30, हाइट इज इक्वल टू 20 डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो उससे वो हाइट एंड विड्थ दोनों सेट हो जाएगी उसकी। बाद में क्या करना है कि इसका जो आउटपुट है, मैं वापस से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि पहले जैसा हो जाइए। सेव नहीं किया है, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से आ गया। अभी यहाँ पे मैंने br करके एक टैग दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है कि जो मेरा नेक्स्ट है ये वाला, ये नेक्स्ट लाइन से चालू होगा, नेक्स्ट लाइन से चालू होगा मतलब यहाँ से वो खत्म होकर यहाँ पे स्टार्ट होगा। अगर मैंने br यहाँ पे नहीं लिखा होता, ये जो br मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ पे नहीं लिखा होता, तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईमेल, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी नेक्स्ट जो है ईमेल आईडी इज इक्वल टू ये समथिंग, ये कैसे क्रिएट किया है, तो सेम जैसे ऊपर में था, तो क्या हुआ है नेम के जगह पे ईमेल आईडी, तो जो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी लिखा विद कॉलन, तो वो यहाँ पे ईमेल आईडी विद कॉलन क्रिएट हो गया। अभी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, साइज इज इक्वल टू 30, बी आर, तो type is text, it is a text type because if I am writing my email id say amit.mishra@gmail.com something, क्या हो रहा है वो text ही है, इसलिए यहाँ पे type का जो form आएगा वो text form आएगा, ठीक है। size उसका 30 मतलब वो जो पूरी जो box का जो size है जो यहाँ पे create हो रहा है वो ये पूरा box का size 30 का होना चाहिए। ईमेल आईडी में जो बॉक्स में जिसमें हम लोग ईमेल आईडी लिखेंगे उसका साइज 30 का होना चाहिए। बाद में उसको ब्रेक दे दिया मतलब वो नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा। अभी देखो डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, वापस से इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज 10 किया है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए साइज कम लगती है, ठीक है। फिर ये फील्ड सेट के अंदर लिखा था, फील्ड सेट के अंदर वापस से उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, फील्ड सेट को फॉर्म क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, एचटीएमएल क्लोज किया। ये करने से हुआ क्या कि आपका इस वे से आ गया। अभी करना क्या है, तो हमें ये जो जिगजैग मैनर में ये बॉक्स यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये बॉक्स यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये बॉक्स यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे नेम के आगे इतनी स्पेसिंग दूंगा नेम बॉक्स स्टार्ट होने से पहले कि ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ में भी मैं इतनी स्पेसिंग दूंगा कि वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेम कॉलन जो है यहाँ पे नेम कॉलन, उसके बाद मुझे यहाँ पे @mbsp देना पड़ेगा। mbsp से क्या होता है कि वो एक टैब का स्पेस प्रोवाइड करता है, टैब का आधे का स्पेस प्रोवाइड करता है, तो ये जो है तीन मैंने nbsp डाले एंड nbsp तीन बार डाला है मैंने, तो ये उतनी स्पेस देगा। अगर मैंने सपोज पहले एक ही बार डाल के देखता हूं मैं क्या होता है, we will see the output. तो यहाँ पे जो है मैंने एक डाले, इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो वो ये पहला जो नाम के आगे दिया है तो एक खाली स्पेस वो आया उसमें। अगर मुझे उसको
इस स्पेसिंग को, इस बॉक्स को मुझे यहां तक लाना है तो मुझे उतना दो तीन बार डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पेस्ट, सॉरी ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, तो मैं चार पांच बार इसको पेस्ट किया। अभी देखता हूं मेरा आउटपुट कहां पे जा रहा है, नेम के आगे का जो बॉक्स है वो कहां पे जा रहा है, वो एग्जैक्टली उसके अलाइन हो गया है। अगर मैंने छह बार किया होता तो थोड़ा आगे चला जाता, तो मुझे वापस से वो एक बार का जो एंड एनबीएसपी है उसे डिलीट करना पड़ता था। अभी ईमेल आईडी और नेम जो है वो एक कॉलम में आ गए, एक ही लाइन में आ गए। अभी डेट ऑफ बर्थ को अगर मुझे शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे तीन चार बार एनबीएसपी लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग चेक करते हैं वो आ रहा है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आ गया है, लेकिन और थोड़ा चाहिए हमें। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो बार मैंने डाल दिया यहाँ पे, अभी एक बार और दे देता हूं मैं तो बराबर अलाइन हो जाएगा। सेव करना है, इसको रन करना है, थोड़ा उधर चला गया वो, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार का हटा दूंगा, सॉरी अभी अल्टर करते हैं, ये दो बार पेस्ट हो गया, सॉरी। सेव करेंगे इसको तो ये ऐसा आ गया। तो इस वजह से आप उसको कर सकते हैं। अभी अगर आपको नेम एंड ईमेल आईडी के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एंड ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ वाले इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जाके मैंने ब्रेक का टैग डाल दिया है, तो ये इस वजह से आ गया यहाँ। अभी मुझे अगर एक बार मैं और NBSP डाल देता हूँ तो वो अभी बराबर आ गया है लाइन में। तो ईमेल नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों नेम ईमेल आईडी के बीच में, ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो स्पेसिंग थोड़ा करने के लिए मैंने क्या किया, ये ब्रेक टैग डाला है, ब्रेक टैग। इससे क्या हो गया, नेम एंड ईमेल आईडी के बीच में और स्पेसिंग आ गया। ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ में स्पेसिंग के लिए मैंने ब्रेक टैग डाला हुआ है। तो इस वजह से ये हमारा सेकंड फॉर्म था। फॉर्म बनाने के लिए याद रखने का कि जो भी आप एचटीएमएल फॉर्म में अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपको टैग देना पड़ेगा, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा और फॉर्म को क्लोज करना। इतना किया तो आपका उसके अंदर जो भी लिख रहे हो जाएगा। खाली करना क्या है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, साइज इज इक्वल टू 30, या साइज नहीं चाहिए तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू जो भी टाइप है, वो वैल्यू है, नेम है, तो वो डाल देने का, अपने आप वो क्रिएट होगा। बाद में आप एडिट करते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा था। अभी तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या हो सकता है उसके अंदर, तीसरा HTML फॉर्म। तीसरा HTML फॉर्म जो है वो ये है। पहले इसका आउटपुट चेक करेंगे, फाइल का नाम क्या है, SS13। सो हम लोग SS13 को ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम उसमें मेरा नाम है ऑलरेडी, लास्ट नेम उसमें भी मेरा नाम है ऑलरेडी, और यहाँ पे एक सबमिट बटन किया हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं सबमिट बटन करूँ तो एक दूसरा HTML फाइल में मैं जाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा HTML फाइल ओपन हो रहा है। उस फाइल का नाम है SS10 और उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मेरे क्लिक करते ही मैं बाय डिफॉल्ट उस पेज पे चले जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर्म नेम इज इक्वल टू इनपुट, एक्शन इज इक्वल टू SS10.html, मेथड इज इक्वल टू गेट। पिछले बार में जो भी हमने दो तीन फॉर्म देखे उसमें क्या किया हुआ है हम लोगों ने, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा, दैट्स इट, उसमें कुछ लिखा नहीं है। बट यहाँ पे क्या करना है कि जब वो सबमिट बटन पे क्लिक होगा, जब भी सबमिट बटन पे क्लिक होगा उस टाइम में वो कौन से फाइल पे जाना चाहिए, तो एक्शन इज इक्वल टू SS10.html, मतलब SS10.html फाइल जो है हमारा उसमें जाना चाहिए। जैसे कि मैं इस पर सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो SS10.html पे जा रहे हैं। What is this SS10.html? तो उसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का बटन बनाया था, ठीक है। अभी क्या है, इसके लिए जो
कोड जो होता है सिंटेक्स है वो क्या है, तो नेम इज इक्वल टू इनपुट डबल इनवर्टेड कॉमा में, मेथड इज इक्वल टू गेट, वी आर जस्ट गेटिंग समथिंग गेट, सो दैट्स व्हाई मेथड इज इक्वल टू गेट. नाउ फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम वैल्यू हमें, अभी इसमें क्या होता है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि नाम वो नेम जो है वो क्या है. तो फर्स्ट नेम इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये जो है फर्स्ट, ये जो है इसमें हम जो लिख रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट नेम. तो इसको हम लोगों ने टैग के अंदर डाला है नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, वेयर एज ये जो चीज है फर्स्ट नेम कॉलन वो क्या है, वो यहां पे आएगा फर्स्ट नेम कॉलन. ठीक है, अभी क्या है लास्ट नेम, लास्ट नेम कॉलन, तो लास्ट नेम कॉलन. ठीक है, अभी क्या है इनपुट टाइप टेक्स्ट लास्ट नेम, मतलब उसको बताना पड़ता है कि हम लोग जो इसके अंदर लिख रहे हैं वो लास्ट नेम है, यहां से हमें समझ में आता है लास्ट नेम लिख रहे हैं. यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड लिखूंगा लास्ट नेम तो वहां पे एक्स वाई जेड अपियर होगा, बट HTML का जो हमारा फाइल बनता है वहां पे सिस्टम को बताने के लिए हमें यहाँ पे नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम लिखना पड़ता है. ठीक है, अभी वैल्यू अगर मैंने लिख दी यहाँ पे मिश्रा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी मिश्रा लिखा हुआ आ रहा है. अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ पहले से नहीं आए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो है उसे मुझे डिलीट करनी पड़ेगी. अगर मैंने ये वैल्यू डिलीट कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा. ठीक है, अभी ये जो बटन है सबमिट वो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, जैसे कि हम लोग टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करते थे, टाइप इज इक्वल टू बटन करते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल टू सबमिट. अभी यहाँ पे दो चीज है इस लाइन में ध्यान से देखने वाली, पहली चीज क्या है यहाँ पे सबमिट यहाँ पे भी लिखा है मैंने, और यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट भी लिखा है. जब मैंने वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट लिखा, जब मैंने वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट लिखा तो उस टाइम में यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आएगा, बट जब मैंने टाइप इज इक्वल टू सबमिट किया तो वो इसको एज अ सबमिट वो कंसिडर करेगा. अगर मैंने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा होता तो यहाँ पे उसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता था, मतलब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता था. बट यहाँ पे जो आपको सबमिट बटन दिख रही है ये वाली, ये किस लिए है, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट जो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो वहां पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ आएगा, एक्स वाई जेड यहाँ पे सबमिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है. बाद में टाइप सबमिट मतलब वो उसको ऐसे सबमिट टाइप सबमिट कंसीडर करेगा, सबमिट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसके ऊपर. ठीक है, बाद में यहाँ पे मैंने क्या करना है, फॉर्म को क्लोज करना है टैग को, क्योंकि मैंने फॉर्म टैग ऊपर में यूज किया हुआ है. आप देख सकते हो जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो ये भी डार्क हो जाता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ नोटपैड प्लस प्लस. अगर मैंने नोटपैड पे लिखा होता तो ऑपरेशन परफॉर्म होता, बट इस टाइप से जैसे कि टैग है वो आपको कलरिंग में दिखाई नहीं देता. अब जैसे मैंने इसको किया तो वो ऊपर वाला जो ये है ये भी कलर में आ गया, मतलब इस टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है. अगर हम लोग मल्टीपल टैग्स यूज करते हैं तब हमें समझ में नहीं आता है, तो नोटपैड प्लस प्लस में उससे हमें समझ में आता है कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है. बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो दिखाई देगा. आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा. नेक्स्ट में हम लोग एक और दो फॉर्म और है HTML के, वो भी देखेंगे हम लोग.